आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जो टीवी सीरियल के सबसे उभरते शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में कलाकार तनुज महाशब्दे जो अय्यर के रूप में आज पूरे देश में जाना जाते हैं। हमारे इंदौर ब्यूरो राकेश सच्चर और मंथन सेन ने उनसे एक खास मुलाकात की। नमस्कार, SW24 की खास पेशकश में आपका स्वागत है। आज हम पहुँचे हैं देवास में। आज आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाएंगे जो देवास से मुंबई तक का सफ़र कर आज फिल्मी जगत में एक सितारे के रूप में पहचाने जाते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं फिल्मी जगत के जाने माने तनुज महाशब्दे जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे चैनल पे SW24 की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। देखिए, देवास से मुंबई का जो सफ़र है वो तो कांटो भरा सफ़र है। रंगमंच से यहाँ देवास में शुरुआत है और उसके बाद मुंबई जाके कटीले सड़क पर चल कर सड़क को साफ करता गया और आगे बढ़ता गया। सर, तारक मेहता का उल्टा चश्मा की जो सक्सेस है उसका क्या राज है? अय्यर एक जो भूमिका है उसमें काफ़ी रोल आपका रहा गया है। एक वो ऐसा रोल था जिसने पूरे दुनिया में आप चाहिए उस नाम से चाहते हुए हैं, तो उसकी क्या स्टोरी की गई है? तारक मेहता का उल्टा चश्मा की सफलता का रहस्य ऐसा है कि वो आम आदमी की स्टोरी है और लोगों को लगता है कि अपनी स्टोरी है। और रही बात अय्यर के कैरेक्टर की, तो पूरे इसमें जो एक मिनी इंडिया हमने तैयार किया है उसमें एक अलग कोई साउथ इंडियन होना चाहिए। मैं साउथ इंडियन तो नहीं हूँ लेकिन मैंने कोशिश की है वो रोल को करने की। जी सर, जैसा देखा जाता है कि एक आप मराठी फैमिली से होने के बावजूद भी आपने जब एक तमिल कैरेक्टर निभाया है उसमें काफ़ी परेशानियाँ आई, काफ़ी उसमें करा गया है, उसमें काफ़ी परेशानियों के साथ आपने उसको रोल को निभाया गया था, उसमें किस प्रकार से आपने उसकी तैयारी जब करी थी स्क्रिप्ट में? जब आसित कुमार मोदी साहब ने जब रोल दिया था तब तो बड़ा चैलेंजिंग लग रहा था। धीरे धीरे मैंने उसके ऊपर वर्कआउट किया, तमिल सीखी, लोगों में घुला मिला तमिलियंस में, उनके हाव भाव एक्सप्रेशन जो भी थे वो कैच करके अपना एक नेटवर्क बनाया, अपना एक अपना रोल बनाया और फिर वो परफॉर्म करता गया, लोग पसंद करते रहे। सर, लॉकडाउन में देखा गया है कि सभी विभिन्न सेलिब्रिटीज ने अपना अपना टाइम एक अलग तरीके से निकाला है, तो आप इस लॉकडाउन में आपके घर में थे, आपका कैसा लॉकडाउन में लाइफ रही आपकी? बड़ी अच्छी रही। लॉकडाउन में घर के सारे काम करने का मौका मिला, खाना बनाने से लेके झाड़ू लगाने तक, तो उसमें काफ़ी मज़ा आया और एक्सरसाइज भी एक हो जाती है उसमें, मैं फिट भी रहा और लॉकडाउन को एंजॉय किया मैंने तो। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।